आज हम बात करेंगे द्राक्षारिष्ट के बारे में। सबसे पहले इसके उपयोग के बारे में बात करें तो द्राक्षारिष्ट के द से ध्यान रखेंगे दमा, तो दमा अर्थात की अस्थमा। तो इस तरीके से श्वास से रिलेटेड कोई भी परेशानी हुई जैसे कि कांस, श्वास, उरुषत इत्यादि में यह उपयोगी होता है। उसके अलावा अरिष्ट जो होते हैं वो अग्नि का दीपन तो करते ही हैं, तो इसलिए अग्निमांधे रिलेटेड डिसीज में भी यह वर्क करता है। उसके बाद द्राक्षा अर्थात की जो दाक होते हैं तो वो जो क्या करते हैं कि वह हमारे शरीर का पोषण भी करते हैं, तो वेट गेन से रिलेटेड चीज़ें, तो इन सब में जो है द्राक्षारिष्ट का उपयोग किया जाता है। अब इसके इंग्रेडिएंट तथा ट्रिक के बारे में बात करेंगे, तो ट्रिक में सबसे पहले हम द्राक्षा को ही ले लेंगे। इसमें आगे का जो द्र है उसको सबसे पहले दो भागों में स्प्लिट कर देंगे, एक भाग शब्द वाला द और दूसरा भाग मात्रा वाला। तो शब्द वाले द से हम दो को ध्यान में रखें और मात्रा है उससे भी दो छोर बन रहे हैं तो उससे भी दो को ध्यान में रखें, और उसके पश्चात दो प्लस दो इज इक्वल टू चार ऐसा ध्यान में रखें। तो द्रा से हमने क्या ध्यान रख लिया, इनडायरेक्टली चार को ध्यान में रख लिया। अब चार से चतुर्जात को ध्यान में रखें, पहले जो चार कंटेंट है वो है चतुर्जात, उसके पश्चात इसमें से एक माइनस कर दिया तो त्रिकटु बना, त्रिजात नहीं बना क्योंकि चतुर्जात में त्रिजात होता है, तो हम और जो उष्ण चीज है त्रिकटु उसको ध्यान में रखेंगे। तो त्रिकटु ध्यान में रखा, पर अब द्राक्षा तो लिया था तो द्राक्षा के श से क्या होगा, तो अब श से ध्यान रखेंगे कि क्या ट्रिक है। तो त्रिकटु में जो है मरीच और पिपली तो हैं, पर श से द्राक्षा के श से हम ध्यान रखेंगे कि शुंठी यहाँ पर नहीं है। अब इससे भी आगे ट्रिक जुड़ती है कि शुंठी क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पांव थे और वह चली गई है, तो पांव से ध्यान में रखेंगे, पांव के प से प्रियंगु और व से विडंग को। और जैसा कि इससे पहले के अरिष्ट कुटजारिष्ट में बताया था कि जो कॉमन होते हैं जैसे कि द्राक्षा, धात की, गुड़, जल जो है वो इसमें भी हम डालते हैं।